प्रेज द लॉर्ड। हम सबको देख रहे हैं, सबको इस आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं, प्रभु से धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर हम सब इकट्ठा है। आप देख रहे हैं यह संसार में क्या हो रहा है। आपको मालूम है पिछले सीरिया में, टर्की में कितना बड़ा भूकंप आया, कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग घायल पड़े हैं। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, लूका किताब उसका 21वां अध्याय है। यीशु ने खुद कहा था कि मेरे आने से पहले क्या होगा। लूका किताब और उसका 21वां अध्याय और उसके 11वें पद में, और बड़े बड़े भूकंप होंगे। ये जो भूकंप आया है बता रहे 100 साल के बाद ऐसा देखा गया भयंकर, उससे पहले भी था लेकिन तब भयंकर नहीं था। हजारों लोग मरे, क्या हुआ और कितने लोग घायल हैं, अगला पल किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। यह लिखा है और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। अब ये शुरू हो रहा है, अकाल, खाने की कमी होगी, अकाल पड़ेगा, आकाश से भयंकर बातें, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट हो गए, बड़े बड़े चिन्ह। ये जो चिन्ह बड़े बड़े प्रकट होने जा रहे हैं, कई जगह पानी सूखने लगा है। 25वां पद लिखा, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, सूरज चांद सितारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों पर संकट होगा। नेताओं बड़ी बड़ी समिट्स हो रही है, लोग बैठ रहे हैं, ग्रुप्स बैठ रहे हैं। अगला पल क्या होगा, कैसे करना है, क्या तैयारी करनी। पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। बड़ा जबरदस्त होने जा रहा भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा। बड़ी हालत बुरी होने जा रही बहन भाइयों, अब शुरू हो चुका है। मृत्यु और डर का आत्मा घूम रहा है, शैतान जो मृत्यु और डर भेज रहा है और चारों तरफ आत्मा घूम रही है। हाउ कैन वी बी सेव्ड, कैसे बचेंगे। ये वचन आपको बचाएगा। यहां वहां की बातें छोड़ दो, अब मुंह से अच्छी बातें करो, वचन की बातें करो, बुराइयां छोड़ दो, अपने बड़ों का माता पिता का सम्मान करो। भगदड़ मच रही संसार में, भगदड़। जब ये जलजले आते हैं तो परमेश्वर बार बार मनुष्यों से पूछता है कि तुम कहां हो, क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम्हारी सोच है, क्या तुम मेरे पास आए हो या अभी भी मुझसे दूर हो। वचन में आज हम इस बारे बताते हैं अय्यूब किताब, क्योंकि ये जो समय आ चुका है, अब हमारे पास समय एक ही है बचने का, एक ही रास्ता है बचने का। अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दो, सबमिट टू गॉड। अगर आपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा, उस ईश्वर के हाथ में नहीं सौंपा, उस रब के हाथ में नहीं सौंपा, तो अब आने में समय आप भी नहीं बच पाओगे। ये ईश्वर है जिसके आराधना कर रहे हैं और वो संसार का कर्ता है, वो कुछ भी कर सकता हो। याद दिलाता मनुष्य को कि आ जाओ मेरे पास। जब ये बातों को आप सुनते हो तो डर तो लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता मैं याद दिला रहा हूं तुम्हें, तो मेरे पास आ जाओ। अय्यूब किताब और उसका 22वां अध्याय और उसके 21वें पद को पढ़ें, 22 के 21 में। उससे मेल मिलाप कर ले, यू हैव द टाइम टूडे। उस ईश्वर से मेल मिलाप कर लो। हमारी दूरियां उससे, कब तक दूर भागोगे, कब तक उससे दूर रहोगे, क्या इंतजार करोगे। ईश्वर का मेरे आने से पहले होंगे ये पहले से हमारे पास एक बुकलेट आ गई है इंफॉर्मेशन की, एक हमारे पास एक इंफॉर्मेशन, एक गाइडलाइंस है, बाइबल जो है गाइडलाइंस है लाइफ की। जो भी कुछ उसके अंदर लिखा है वो पूरा हुआ है, उस जमाने हुआ है, आज हो रहा है और कल भी होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। परमेश्वर कहता है, वचन लिखा, मैं बार बार पूछता हूं मनुष्य से कि तुम है कहां। कोई आपको नहीं बचा सकता संसार, कोई नाम, इसलिए बाइबल बता रही है उससे, उस ईश्वर से मेल मिलाप कर ले। भगदड़ बच चुकी है, उससे मेल मिलाप कर ले, सबमिट टू गॉड। नोबडी कैन सेव यू, यू विल बी सेव्ड इन द हैंड ऑफ गॉड, उस ईश्वर के हाथ में। अब ये सबमिट जो है, यानी कि परमेश्वर से मेल मिलाप, मेल मिलाप का तब है उससे मिल जाओ। अभी हमारी दूरियां हैं, ये मेल मिलाप क्या है, ये सबमिट इंग्लिश में कहते हैं,
का मतलब क्या है? सबमिट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समबडी, टू एक्सेप्ट समबडी और समथिंग पावर और इन कंट्रोल बिकॉज ऑफ डिफीटेड, यानी कोई चीज में हम हार गए हैं तो हम किसी के पास जाकर शरण ले लें, इसको बोलते हैं सबमिट। हिंदी में कहते हैं झुकना, किसी के अधीनता हो जाना या किसी के अधीन हो जाना, किसी की अधीनता स्वीकार करना, हम किसी के अधीन में चले गए और उसको स्वीकार कर रहे, भाई आप ही बचा सकते हो, हम अपने जीवन से हार मान चुके हैं, अब हम तेरे अधीन आ गए, मान लेना, यानी हम मान रहे हैं कि तू बचा सकता है, तू हमें छुड़ा सकता है। सबमिट का मतलब है आत्मसमर्पण, कहीं जाकर शरण लेना। आज इंसान की शरण जो है मनुष्य तक पहुंच रही है, परमेश्वर कहता मेरे पास आ जाओ। अय्यूब कह रहा है उससे, उस ईश्वर से, उस परवरदिगार से, उस रब से, उस खुदा से, उस आत्मा से, परमात्मा से, उस गॉड से मेल मिलाप कर ले। क्या होगा? सबसे पहली बात, तुझे शांति मिले, सबसे बड़ी बात शांति, पीस। अय्यूब किताब में लिखा है 22वां अध्याय उसकी 21वें पद में, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी, और इससे तेरी भलाई होगी, तेरे परिवार की, तेरी कलीसिया की, तेरे पास्टर की, तेरे सेवक की, तेरे सेविका की, सबकी भलाई होगी। मिलाप करना आपको, यू कैन नॉट बी अवे फ्रॉम गॉड, ईश्वर से दूर नहीं रह सकते। दूसरी बात, याकूब किताब उसका कुछ आयत पढ़ते हैं, याकूब किताब उसका 4 अध्याय चौथा अध्याय, याकूब किताब उसका 4 अध्याय और उसके 7वें पद लिखा हुआ है, जब आप ईश्वर के अधीन हो गए शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कैसे? हाउ यू विल फेस द डेविल, शेर की तरह मुंह फाड़े घूम रहा किसको विनाश कर दू, और परमेश्वर कह रहा है उसके अधीन हो जाओ, सबमिट योर सेल्फ, मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के पास आ जाओ, उसके अधीन हो जाओ, मेल मिलाप कर लो, यानी हमारी जो दूरी है तुरंत आ जाओ भागते हुए, विपत्ति किसी को नहीं छोड़ेगी। शैतान का सामना करोगे जब प्रभु परमेश्वर के पास आ जाओगे, जब उससे मेल मिलाप कर लोगे तो आपको परमेश्वर बचाएगा। यू कैन नॉट फाइट विद द डेविल बाय योर ओन, आप इन स्पिरिट से नहीं लड़ सकते, बहुत खतरनाक है। और वचन के लिखा है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, सेवकों को भी नहीं छोड़ेगा, कलीसियाओं को नहीं छोड़ेगा। उससे मेल मिलाप कर ले, और भाई बता दिया उससे मेल मिलाप करोगे तो हम उसके अधीन हो जाएंगे। याकूब कहता है उसके अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, देन ओनली यू कैन फेस द प्रॉब्लम। ये चारों तरफ शैतान घूम रहा है, स्पिरिट है ये। तीसरी बात, याकूब 4:10 में लिखा हुआ है, प्रभु के सामने दीन बनो, उससे लिपट जाओ, उससे मेल मिलाप करो, दीन बनो, अकल नहीं चलेगी ईश्वर के सामने, डोंट ट्राई टू बी अ स्टिफ नेक, अकल नहीं चलती उसके सामने, परमेश्वर के सामने दीन बन जाओ, दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणि बनाएगा। श्रोमणि का मतलब होता है मान और सम्मान, श्रेष्ठ। श्रोमणि का मतलब होता है एक श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको मान और सम्मान मिलेगा। हम्बल योर सेल्फ बिफोर द लॉर्ड, He will lift you up, वो आपको उठाएगा। श्रोमणि जो है एक ज्वेल है, एक शानदार गहना है, इसको बोलते हैं शानदार गहना, जिसे श्रोमणि कहा गया, और इसको कहते हैं सिर का रत्न, सिर पर होता ही। परमेश्वर अपने लोगों को एक रत्न बनाता है और सिर पर चमक रखता है, और दुष्ट दूर से देख के भागता है। हालेलुया। शैतान को मालूम है ये परमेश्वर का बच्चा हो चुका है, कौन होगा, किसको श्रोमणि, किसको परमेश्वर रत्न बनाएगा, जो दीन होगा। यू हैव टू बी हम्बल, अकड़ से नहीं, परमेश्वर अकड़ पसंद नहीं, अकड़ वही करते हैं जो घमंड है, और घमंड से चढ़ी आंखों से परमेश्वर नफरत करता है। चौथी बात, पहला पत्रस और उसके 5 और 6 को पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके 6वें पद को पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, यानी कि जब आप समर्पण करोगे, उससे मेल मिलाप करोगे, उसके अधीन हो जाओगे, दीन बन जाओगे, तो वचन के अंदर लिखा है वो बलवंत हाथों के नीचे आपको रखेगा जो आकाश और पृथ्वी करता है। ही कैन डू एनीथिंग, ही विल सेव यू फ्रॉम ऑल एंगल्स, हर चारों तरफ से, हर दिशाओं से आपको बचाएगा। ये समय कठिन आ चुका है,
और आज संसार को जरूरत है, कहां भागू, किसके पास जाऊं, जिसके पास भागू तो कहता मेरे पास ही परेशानी। अब इंसान में भगदड़ बहुत मचेगी, अब ये वचन पूरा हो रहा है, कठिनाई बढ़ेगी, भगदड़ मचेगी, कहां का भागोगे। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आ जाओ, परमेश्वर के सामने दीन बन जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उससे मेल मिलाप कर लो। दिस व्हाट गॉड वांट्स। और आज संसार में लोग क्यों दूर चले गए, हमारा पाप है। हमने सोचा हम सब कुछ कर सकते हैं, ये तो आज इंसान सोचता हम सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर में जरूरत नहीं है। मेल मिलाप कर लो, उसके अधीन हो जाओ, दीन तब उसके पास आ जाओ, उसके बलवंत हाथों के नीचे हो जाओ, तब आप जान जाओगे ईश्वर के स्वभाव को, जान जाओगे ईश्वर के प्यार को, जान जाओगे उसकी सुरक्षा को, जान जाओगे उसके सत्य ज्ञान को, जान जाओगे कि अपने हाथों से वो कैसे आपको बचा सकता है। ये सब कुछ तो उसके कंट्रोल में है। बच्चा लिखा है पृथ्वी जो कुछ उसका उसके अंदर सब कुछ उसका बनाया हुआ है। मेरे भाइयों याद रखिए, परमेश्वर आपको मुझको संत के दिनों में चाहता है कि हम उसके अधीन हो जाए, वो चाहता हम उससे मेल मिलाप कर ले, ताकि आज मनुष्य के जीवन में शांति नहीं हो, कहता हूं शांति दूंगा। नाउ द टफ टाइम हैज स्टार्टेड। व्हाई, क्यों ये हो रहा है? मत्ती और उसका 24 अध्याय, कारण क्या है होने का। मत्ती किताब उसका 24 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे, 24 का 12। अधर्म के बढ़ने से, अधर्म ये क्यों हो रहा है? अधर्म बढ़ गया है, कहीं धर्म ही नहीं है, अधर्म बढ़ गया है। इंक्रीज ऑफ विकेडनेस बोलते हैं, अधर्म को बोलते हैं विकेडनेस, या सारे गलत काम हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं अधर्म, जो सारे गलत काम होते हैं, रॉन्ग डूइंग्स, ऑल विकेडनेस, ऑल रॉन्ग डूइंग्स, इट इज नोन एज अधर्म है ये। और अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, अधर्म हो गया, आज प्यार खत्म है, उससे मेल मिलाप कर लो। याद रखिए आज परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है, उसके अधीन हो जाओ, नरम बन जाओ, दीन बन जाओ, आपको शिरोमणि बना देगा, ज्वेल बनाएगा आपको, प्रेशियस बनाएगा। लेकिन अधर्म बढ़ता जा रहा है, अब ये रुकेगा नहीं। भूकंप, अकाल, महामारी, ये तीन चीज के लिए जोर दिया गया, भूकंप, अकाल और महामारी, ये बढ़ती जाएगी। लुका किताब उसका 21:11 भी हम पढ़ लें एक बार, जो भी हमने पढ़ा था एक बार फिर पढ़ लेते। लुका किताब उसका 21 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ते, 21:11। बड़े बड़े भूडोल होंगे, जगह जगह अकाल महामारी पड़ेगी, आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। सिन है ये, व्हाई दिस इज हैपनिंग, गॉड इज रिमाइंडिंग दैट इज द गॉड, परमेश्वर इन सारी बातों को बताकर बताना चाहता कि ईश्वर है जो संसार को कंट्रोल करता है। इन बातों को सुनकर वचन लिखा मैं बार बार दोहराता हूं और बार बार इस बारे में बताता हूं कि मैं हूं जिंदा। आज हो रहा है ये मनुष्य का पाप है और पाप बढ़ता जा रहा है, सिन। मैंने हमेशा बताया पाप क्या है, पाप परमेश्वर से दूरियां हैं, हम परमेश्वर से दूर है, उसकी पवित्रता से, उसकी सच्चाई से, उसके प्रेम से हम दूर हैं, उसकी पवित्रता से दूर हैं, उसकी ज्योति से दूर है, अंधकार है, जो तकलीफ है चारों तरफ जो आ गई है, इट इज द डार्कनेस। इसलिए परमेश्वर कह रहा है जल्दी आओ, उसके अधीन हो जाओ, उससे मेल मिलाप कर लो, उसके पास आके दीन बन जाओ, उसके राधा करो। हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, उसकी पवित्रता में रहना है। उस जमाने बहुत से लोगों को परमेश्वर भेजा, बहुत से लोग भेजा, और बहुत से लोगों ने परमेश्वर के अधीन होकर उससे आशीष ली, बहुत से लोगों ने परमेश्वर के अधीन होकर आशीष ली है। आइए भाई कुछ बाइबल देखते हैं, कुछ बातों को जो वचन के अंदर लिखा हुआ है। उत्पत्ति किताब उसका 6:9, नू धर्मी पुरुष था। कौन है नू? नू लिखा है धर्मी पुरुष, अपने समय के लोगों से खरा और परमेश्वर ही के साथ चलता था, परमेश्वर का अधीन रहता था, उससे मेल मिलाप में रहता था, उसकी संगति में रहता था, नरम और दीन रहता था। जब तक आप परमेश्वर की दीनता, परमेश्वर के साथ नहीं आओगे, उससे मेल मिलाप नहीं करोगे और उसके आचरण पर नहीं चलोगे जैसे वो चाहता है वो नहीं करोगे, याद रखिए हम परमेश्वर दूर रहेंगे और परेशानी को ढेर रहेगा। यह व्यक्ति जो था जिसका नाम है नू, धर्मी था, खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता। परमेश्वर के लोग हमेशा खरे होते, इस बात को ध्यान रखा कि परमेश्वर सच्चा भक्त है वो तो खरा होगा, वो खरा होना जरूरी है ताकि सामने वाला समझो कर क्या रहा है। नू जो था परमेश्वर के प्रेम को जानता था,
नू जो था परमेश्वर की सच्चाई को ही न्यू द ट्रू गॉड, वो सच्चाई को जानता था, उसकी सत्यता के बहुत नजदीक था वो, उसकी सामर्थ को ही न्यू द पावर ऑफ गॉड, वो नू जो था परमेश्वर की सामर्थ को जानता था, नू जो था परमेश्वर के पास आकर जानता था इसकी सुरक्षा सबसे बड़ी है, ही न्यू द सिक्योरिटी ऑफ गॉड, और ये भी जानता था कि ये परमेश्वर कुछ भी कर सकता हमारे लिए, आपको जानना होगा, इसलिए बाइबल अय्यूब कहता उससे मेल मिलाप कर लो तो तब तुम जान लोगे, उसके अधीन हो जाओ तो तुम उसको जान लोगे, नरम दीन हो जाओ तो जान लोगे तो आपको कैसे श्रोमणि बना देगा, आपके जीवन को कैसे वो सुनहरा और विशेष व्यक्ति बना देगा। और बाइबल बताती है कि नू जो था, बाइबल बताती है कि परमेश्वर के साथ साथ चलता था, भक्ति भक्त में था, परमेश्वर की भक्ति में था, वो धार्मिकता का जीवन था। और इसी उत्पत्ति 7 और उसके 1 के अंदर लिखा है, परमेश्वर नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा क्योंकि तू मेरा अधीन है, जहाज में जा क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। और लिखा इस किताब के अंदर, अगर हम 3 पद पढ़ते लिखा है 4 पद में, क्योंकि अब 7 और बीतने में, 7 और बीतने में मैं पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात जल बरसाता रहूंगा और जितने प्राणी मैंने बनाए उन सबको मैं भूमि पर भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा, ये परमेश्वर है। उस जमाने में हुआ ही, उस जमाने परमेश्वर बात कर रहा है और आज इस जमाने परमेश्वर अपने वचन से बात कर रहा है। याद रखिए तरीके अलग है उसके, बात वही है, नाश हो कर रहा तो समारे में और आज भी संसार को नाश करने के बाद, क्यों कि मनुष्य परमेश्वर दूर है, उसकी पवित्रता से दूर है, इसे लिखा हम जल्दी से आओ मेरे अधीन हो जाओ, वचन लिखा उस जमाने को परमेश्वर ने नाश कर दिया, 40 दिन 40 रात पानी बरसा और उसे कहा तू अपने परिवार सहित एक जहाज बनाओ से चलाया, और नू जो जहाज बना रहा था वो 1 में नहीं बना, कई समय लगा होगा, बहुत बड़ा जहाज बना था वो, और लोग उस समय हंसी उड़ा रहे होंगे, परमेश्वर का वचन उसने सुना और वचन परमेश्वर का अधीन हो गया, परमेश्वर के साथ साथ वो था, परमेश्वर की संगति में चल रहा था और उस जहाज बनाकर खड़ा कर दिया, और लोग कह रहे कहां जाएगा, कौन से पानी में, कौन से समुद्र ये तैरेगा, नू को भी नहीं पता था लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना है। आज ये वचन आपके पास है, परमेश्वर की आज्ञा को मानो, अनाउंसमेंट है ये आपके लिए, मेरे लिए, नू ने आज्ञा माना उस जमाने में, और जब उसे जहाज बना लिया उसको भी नहीं पता था ये जहाज कहां पर परमेश्वर चला गया, लेकिन इतना मालूम था कि परमेश्वर कहा था कि मैं 40 दिन 40 रात इस संसार में पानी भेजूंगा। 7:4 में लिखा हुआ है क्योंकि अब तक 7 बीतने पर पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात पानी बरसाता रहूंगा और जितने प्राणी बनाए हैं उन सबको भूमि में से मिटा दूंगा। पाई बता रही है कि नू से क्यों बात कर रहा, क्योंकि नू परमेश्वर की निगाह में धर्मी था। आज आप वीडियो कॉल से जुड़ा हो, परमेश्वर आपको धर्मी बनाना चाहता है और जिस तरह नू से बात कर रहा था आज वो वचन से आपसे बात कर रहा है, दैट्स द डिफरेंस। और जब पानी बरसा मालूम क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, केवल नू और उसका परिवार बचा, और जो जानवर पक्षी परमेश्वर ने नू के जहाज भेजे थे वो बचे जोड़े, बाकी सारा संसार नाश हो गया। ये जलजले जो आते ना बहुत बुरे होते, सबमिट टू गॉड, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में सौंप दो, उससे मेल मिलाप कर लो, अभी समय है, वो ईश्वर है, कर्ता है, आपका बनाने वाला है, हमारा बनाने वाला, वो हर मुसीबत से आपको बचाएगा, हर आपदों से बचाएगा। संसार के लिए, संसार के लोग लिखा है, मनुष्य के लिखा है, मनुष्य परमेश्वर के निगाह में टिड्डी के समान है। टिड्डी जानते हो, टिड्डी को हाथ पकड़ लो और यूं दबा दो मर जाएगी, परमेश्वर कहता मनुष्य तो टिड्डी के समान है, मैं कब तुझे मसल दूं, और इंसान चौड़ा हो जाता है उसके सामने। अरे ईश्वर है जिसने लाल समुद्र को 2 कर दिया, ईश्वर है वो। आज हम और आपको वो इस अंत के दिनों में कठिन समय शुरू हो गए बचाना चाहता है। उत्पत्ति 9 में लिखा 1 में, फिर परमेश्वर नू और उसके पुत्रों को आशी दी और उनसे कहा फूलों फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ,
ये है परमेश्वर की ब्लेसिंग, जब हम उसके अधीन हो जाते हैं, जब उससे मेल मिलाप करते हैं और उसके साथ मेल मिलाप में रहते हैं, उसकी संगति में रहते हैं। नू को सिरोमणि बना रखा, पूरा परिवार से बच गया। आज हम और आपको परमेश्वर बचाना चाहता है। एक और इंसिडेंट देखते हैं बाइबल के अंदर, सदोम और अमोरा, उत्पत्ति किताब उसका 18वां अध्याय, उत्पत्ति किताब उसका 18वां अध्याय और उसके 20 से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर उस समय पृथ्वी को क्यों नाश किया, कि पृथ्वी के अंदर उपद्रव बढ़ गया था, पाप बढ़ चुका था, लोग कहना नहीं मानते थे। सदोम और अमोरा, उत्पत्ति किताब उसका 18वां अध्याय और 20 पद पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर कहा, किससे कहा? अब यहां पर एक और व्यक्ति, इसका नाम है अब्राहम। उधर नू से कहा और यहां अब्राहम से बात कर। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई, पाप बढ़ गया। चिल्लाहट का मतलब पाप बढ़ गया है, मर्डर हो रहा है, खून हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, लोग एक दूसरे को बेच रहे हैं, चोरी डकैती हो रही है। परमेश्वर कहा सदोम और अमोरा को की चिल्लाहट बढ़ गई। सदोम एक अलग शहर है, अमोरा एक शहर है, इसको बोलते ट्विन सिटी। सदोम और अमोरा ये दो शहर थे और परमेश्वर कहा मैंने दोनों को क्या देखा, यहां पाप बहुत बढ़ गया है। अब यहां परमेश्वर कहता है मैं इसको नाश करूंगा, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा और उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे काम तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो उसे मैं जान लूंगा। परमेश्वर आपके मुझको काम को हर पल देखता है। He watches every moment what you do, what I do. आज इस बात में याद है कि सदोम और अमोरा उस जमाने में परमेश्वर कह रहे हैं पाप बढ़ चुका, मैं इसको नाश करूंगा। और वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने इस शहर को नाश करने को जब जा रहा था, अब्राहम से बात कर रहा था, तो अब्राहम परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर क्योंकि जब प्रभु के जो लोग होते हैं उनके अंदर परमेश्वर प्यार होता है, दीन होते हैं, वो नरम होते हैं। परमेश्वर से अब्राहम पूछता है हे प्रभु, इस जगह को तू नाश करने जा रहा है, 18 के और उसके 26 में लिखा है, यहां एक वार्तालाप परमेश्वर कर रहा है। अब्राहम परमेश्वर बात कर रहा है, प्रभु तूने कहा कि मैं शहर को नाश करूंगा, यदि शहर में, उसने यहोवा से कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो तू उनके कारण से उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। यहोवा ने कहा यदि मुझे, अब्राहम यदि इस नगर में सदोम और अमोरा में यदि मुझे 50 धर्मी लोग मिल जाएंगे तो मैं सदोम और अमोरा को नाश नहीं करूंगा। इस तो एक वचन है, इसमें बहुत वजन है, इसमें याद रखिए, अगर आप घर में धर्मी हो आपका पूरा परिवार बचेगा। If you are righteous in front of God, आपका परिवार आपका मोहल्ला बचा लिया जाएगा। ये परमेश्वर की वादे हैं और इस सदोम अमोरा शहर की बात कर रहा है परमेश्वर। यदि इस शहर के अंदर 50 धर्मी मुझे मिल जाएं तो मैं छोड़ दूंगा। अब्राहम क्या बोलते हैं 27 से बंदे, प्रभु सुन मैं तो मिट्टी और राख हूं, यानी वो अब्राहम कह रहा मैं मिट्टी का हूं राख हूं, कब मिल जाऊं मट्टी में, कब मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, तो अभी मैंने इतनी ढिटाई की है कि मैं तुझसे बात कर रहा, मैं तू मिट्टी का हूं, मैं राख हूं, मैं तुझसे कैसे बात करूं, लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में से 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर को नाश करेगा? यानी वो कह रहा है प्रभु तू तो कह रहा 50, हो सकता है 50 ना हो, अगर इसे 5 घट जाए और 45 मिल जाए तो क्या तू 45 के कारण इसको नाश करेगा? परमेश्वर कहा यदि मुझे उसमें 45 मिले तो भी मैं उसका नाश ना करूंगा। यस अब्राहम, तेरी मैं बात सुन रहा हूं। ये डायलॉग हो रहे हैं परमेश्वर से बात कर, यानी कि आज मनुष्य इस बात को नहीं समझता, जो आत्मा यहां बोलता डायलॉग हमारे लिए, जो भविष्यवक्ता बोलते डायलॉग हमारे लिए, मिनिस्ट्री के लिए है। अब्राहम से बात कर रहा परमेश्वर, 35-45 मिल जाए अब्राहम तो मैं छोड़ूंगा, लेकिन वहां 45 में ना मिले, कौन गिन रहा होगा वो। फिर उसने परमेश्वर से एक और बात बोली, यदि कदाचित वहां 40 मिले, प्रभु तू नाश करने आ रहा है, अगर यहां 40 मिल जाएंगे तो बचा लेगा, लिखा इस किताब के अंदर। तो उसने कहा 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा, 40 दिखा दे तू, नहीं मिले 40। फिर उसने कहा, तीसरे पद में लिखा हुआ है, फिर उसने कहा अब्राहम ने कहा परमेश्वर हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूं, मैं एक बात और कहूं प्रभु नाराज मत होना, मैं बार बार एक चीज पूछ रहा हूं,
यदि यहां पर प्रभु 30 मिले, अगर 30 मिल जाए प्रभु तो बचा लेगा, तो ऐसा ही करूंगा। उसने कहा मैं करूंगा, 30 भी करूंगा, नहीं 30 भी नहीं थे वहां, 31 से बदले। फिर उसने कहा हे प्रभु सुन, मैंने तो इतनी ढिटाई तो की है कि मैं तुझसे बात कर रहा हूं, प्रभु मैं ढिटाई कर रहा हूं तुझसे बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे करना नहीं चाहिए, तू ईश्वर है, योर गॉड, फिर मैं ढिटाई कर रहा हूं और तुझसे बात कर रहा हूं। यदि यहां पर 20 मिल जाए गॉड, यदि यहां 20 मिल जाए, तो वो 50 से नीचे आते जा रहे हैं। परमेश्वर जानता है कोई नहीं, लेकिन अब्राहम जो था धर्मी था, परमेश्वर से मिलकर चल रहा था, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के अधीन था, धर्मी था, उसे चिंता थी लोगों की। आज हमें चिंता अपने देश के, अपने दूसरे देशों की, कि प्रभु बच जाए। जिसमें परमेश्वर का आत्मा होती है ना, आता है ना, चिंतित रहता वो, और जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं उसके पास चिंता नहीं है, तो ये सोचता है इसको खत्म ही कर दो। प्रभु यहां 20 मिल जाए, परमेश्वर कहता बचा लूंगा, लेकिन वहां 20 भी नहीं थे, 32 पर लिखा हुआ है, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिल जाए। 40 से नीचे आ गया, 10 मिल जाए उसे मैं बचा लूंगा। मतलब 10 किसकी बात कर रहा था, ये उसके स्वयं परिवार की, अब्राहम और लूत, इनमें 10 लोग थे, मिल जाए, लेकिन वो 10 भी नहीं थे। परमेश्वर जब कार्य वो करता है, वो ढूंढता है मेरे लोग कहां पर है, और अब्राहम कह रहा है 50, 45, 30, 20, 10 नहीं थे कोई। हाँ परमेश्वर को नाश करना था जगह को, क्योंकि पाप बढ़ गया था, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को उसके लूत जो था उसका भतीजा था, इनको बचाना चाहता, और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर लूत, उसकी पत्नी, उसकी दोनों बेटी, चार लोग पीछे रह गए, 10 बोले थे, 10 भी नहीं मिले, 6 लोग थे, और परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर लूत को कहा निकलो शहर से बाहर, मैं नाश करने, लुकलो शहर से बाहर, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन थे, परमेश्वर की संगति में थे, परमेश्वर मेल मिलाप में थे, और सब भाग रहे। स्वर्गदूत का जाओ, क्योंकि परमेश्वर इस जगह को आग और गंधक से नाश करने जा रहा है। उस जगह को नाश करने के लिए परमेश्वर तैयार था। सदोम अमोरा 19वें अध्याय और उसके 24 को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से यानी स्वर्ग से गंधक और आग बरसा दी। ये डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रॉय, गॉड कैन डू एनीथिंग, ईश्वर कुछ भी कर सकते, क्यों? वो पाप देख रहा है। और उसने कहा लूत और अब्राहम को निकाल दिया, अब्राहम तो चला गया, और लूत जो था वो वहीं डटा हुआ था, क्योंकि उसको उसको बहुत अच्छी जगह मिली थी, वो यर्दन के किनारे पे था, बहुत अच्छी जगह थी, उसके पास गाय बैल जानवर सब कुछ था, धन दौलत थी। स्वर्गदूत ने कहा निकलो यहां से, और कहा पीछे मुड़ के कोई मत देखना, यह आज्ञा थी परमेश्वर की। स्वर्गदूत ने कहा लूत से, लूत भाग यहां से, अपनी पत्नी अपने बच्चों लेकर चल, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना। लूत जो था बुढ़ा था, उसके पैरों में तकलीफ भी हो सकती है, उसने कहा सामने छोटा सा पहाड़ है, मैं वहां तक जाना चाहता हूं, वहां तक पहुंचे। स्वर्गदूत का जा, और लूत जो था जैसे भी कहते भी वो चल दिया, दौड़ रहा था, टेढ़ा मेढ़ा हो कैसे भी वो दौड़ रहा था, और उसकी पत्नी जो थी पीछे पीछे चली जा रही, और कहा था पीछे ना देखना, जैसे चल रही थी और पीछे जैसे मुड़ के देखा, उसी समय नमक का खंभा बन, यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसा दी। आज वो पूरा शहर नाश हो चुका है, सिर्फ सफेद सफेद गंधक ही गंधक है वहां। जब परमेश्वर बर्बाद करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पाप उसको पसंद नहीं, और आज संसार में फैल चुका है। नूह से बात की, नूह परमेश्वर के निगाह में धर्मी था, अब्राहम धर्मी था, कितने लोग थे परमेश्वर सामने धर्मी थे और परमेश्वर मेल मिलाप में चलते थे, लेकिन पाप बढ़ता चला गया बढ़ता गया। आखिरी में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, और यीशु धरती पर आया, और यीशु मसीह इस बारे बोलता है, बाइबल में लिखा है, यीशु का धरती पर आना ताकि लोग परमेश्वर के अधीन हो जाए। जीसस केम इन दिस वर्ल्ड सो दैट पीपल में सरेंडर एंड सबमिट देयर सेल्फ टू गॉड, परमेश्वर के सामने समर्पण कर दे, क्योंकि आत्मा को बचना है। व्हाई द गॉड डू सच थिंग, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सेव यू, आपको पाप से बचाने के लिए, आपकी आत्मा को नरक से रोकने के लिए, स्वर्ग पहुंचाने के लिए परमेश्वर शुरू से इस तरह के कार्य किए,
आज जो हो रहा है परमेश्वर इस बारे में बता रहा है कि तुम बच जाओ, मुझसे मेल मिलाप कर लो, उससे मेल मिलाप कर लो तो तुझे शांति लगेगी और तू भाई देखेगा अपने जीवन में। प्रभु यीशु धरती पर आया और लिखा इस किताब के अंदर यीशु का आना, तीन चार बातें हैं यीशु ने जो धरती पर आए। सबसे बड़ी बात, यीशु का आना ताकि मानव जाति परमेश्वर का अधीन हो जाए। प्रभु यीशु का आना धरती पर हुआ सो दैट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड सरेंडर सम्प टू द गॉड, मानव जाति परमेश्वर का अधीन हो जाए। यीशु कैसे धरती पर आना हुआ। दूसरी बात, यीशु की शिक्षाएं, यीशु की शिक्षाओं को आप सुने। ये शिक्षा अनुभव शिक्षा है, ये शिक्षा जो है आपको अंधकार से बचाएगा, ये शिक्षा जो आपको अंधकार से ज्योति में ले आएगा, जो मत्ती किताब के अंदर है, मत्ती 13:3-11 तक पढ़ लो, शिक्षा है यीशु की। तीसरी बात, यीशु के सामर्थ्य का, जो यीशु ने सामर्थ्य काम किए उसके द्वारा यीशु चाहता कि लोग परमेश्वर को जान जाए। यूहन्ना किताब उसके 14 अध्याय, यूहन्ना किताब और उसके 14 अध्याय में लिखा है यीशु के सामर्थ्य के काम। यूहन्ना किताब उसका 14 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ेंगे, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। काम के कारण, व्हाट जीसस डिड, पानी पे चल के दिखा दिया, आंधी तूफान को रोक दिया, अंधे की आंखें खोल दी, लंगड़े को चला दिया, मुर्दे खड़ा कर दिया। विश्वास करो, मेरे काम को देखकर और अधीन हो जाओ। और यूहन्ना 13:34 को पढ़ते हैं, यूहन्ना किताब 13:34 में लिखा है, मैं तुम्हें नहीं आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे प्रेम रखो। प्रेम आज ठंडा हो गया, आज प्रेम खत्म है। परमेश्वर का अधीन हो जाओ, ये समस्या बढ़ती आएगी। और वचन आयु कहता है उससे मेल मिलाप कर लो, तब तुझे शांति मिलेगी और तेरे जीवन भलाई होगी। आज मेल मिलाप करने का समय है, परमेश्वर के से अधीन हो जाओ, लिपट जाओ उससे। प्रभु यीशु आया इसलिए ताकि हमको सही रास्ते पर ले आए। आज इंसान के पास धन है, शौहरत है, इज्जत है, और नहीं है तो उसके पीछे भागेगा, मुझे धन मिल जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मेरा नाम बड़ा हो जाए। अपने जीवन में परमेश्वर के नाम पूछा करो, आ धन दौलत शौहरत इज्जत के पीछे भाग रहा। यूहन्ना किताब उसे 10:10 लिखा है, चोर चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। ये डेविल है, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए। अब ये कौन सा चोर है? अगर संसार में देखते हैं तो चोर जो है शाम का इंतजार करता है, अंधेरे का, वो अंधेरे का इंतजार करता है। आज जिस चोर की बात हम कर रहे हैं, ये डेविल है, शैतान है, ये अंधेरे की शक्तियां हैं, ये डार्कनेस है। प्रभु यीशु कहता है चोर चोरी करता, घात करता, नाश करता, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। क्यों? यीशु ज्योति है, शैतान अंधेरा है और यीशु ज्योति, और इस ज्योति में जीवन है। हालेलुया। यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम ज्योति मांग जाओ, मैं इसलिए आया हूं कि तुम ज्योति मांग कर मुझे पहचानो और उस ईश्वर के अधीन हो जाओ जो ज्योति का परमेश्वर है। आई एम द लाइट, यीशु कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे लेगा अंधेरे में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उस ईश्वर से उसकी मुलाकात हो जाएगी, उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा, वो श्रोमणि हो जाएगा, उसकी हर इच्छाएं पूरी होगी, बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचेगा। यीशु चाहता कि हर एक मनुष्य उस ईश्वर के अधीन हो जाए। यीशु चाहता है हर एक मनुष्य संसार में, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर का प्रेम यीशु को धरा हुआ और यीशु ने प्रेम संसार को दिखा दिया। ईश्वर का परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि मनुष्य उस पर उसको देखकर उस पर विश्वास कर उस ईश्वर के अधीन हो, सबमिट टू गॉड। तो ईश्वर से आया, आज समय है हम उस ईश्वर के अधीन हो जाए। प्रभु यीशु बुला रहा आपको मुझको। नू परमेश्वर के साथ साथ था, नू धर्मी था, अपने समय का खरा मनुष्य था, और परमेश्वर उसको उसके पूरे परिवार को बचाया। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया को जब नाश किया तो उसने 8 प्राणी को बचा लिया। आज जब संसार में इतनी आफतें आ रही हैं, परमेश्वर आपको मुझको बचा लेगा। जो 8 को बचा सकता है, 8 करोड़ को भी बचा सकता है, हालेलुया, 8 लाख को बचा सकता है। ही कैन सेव यू, ही कैन सेव यू। सदोम अमोरा, दो तीन सिटी खत्म कर दिया, लेकिन लूत और उसकी 2 बेटी, अब्राहम उसकी पत्नी बच गए। क्यों? कि वो परमेश्वर का अधीन है। आपको मुझको अधीन होना है। वचन सुन रहे हो, अधीन हो जाओ। प्रार्थना का समय दो, समय निकालो यीशु के लिए।
प्रभु यीशु आया आपको मुझको बचाने के लिए और परमेश्वर से मिलाने के लिए। यीशु आया क्रूस पर बलिदान देने के लिए ताकि हम ईश्वर को जाने। यीशु मसीह धरती पर आया, उसने मृत्यु को ली ताकि हम जाने सच्चाई कहां पर है। यीशु आया और मर के जिंदा हुआ, बता दिया एक ईश्वर है जो मुर्दों में से जिंदा कर सकता है, वह है परमेश्वर प्रभु यीशु। हालेलुया, ही द गॉड, गॉड एंड गॉड, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, द किंग ऑफ किंग एंड द प्रिंस ऑफ पीस। मुर्दे में से खड़ा करने वाला ईश्वर है। आधी रो जाओ, समय आपके पास है। यूहन्ना 16 और उसके 33 लिखा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। रवीश कह रहा, मैंने ये बातें, ये वचन तुम्हारे पास इसलिए आया है कि मेरी शांति तुमको मिले। संसार में तुझे क्लेश होता है, मैंने संसार को जीत लिया। रवीश ने क्रूस पर बलिदान देकर संसार को जीत लिया। याद रखिए, कोई ऐसा बलिदान नहीं दे सकता, कोई ऐसी क्रूस पर मृत्यु को ले नहीं सकता। वो घाटियों पर यीशु क्रूस लेकर कैसे चला? एक जगह पर स्त्री मिली और उस जब यीशु के मुंह से झाग निकल रहा था, खून निकल रहा था, वो स्त्री अपना रुमाल उठा लिखाकर यीशु के मुंह को पहुंचा। वरोनिका बोलते उसको, एक स्त्री थी वो, उसका नाम इतिहास में आ गया। कितनी हिम्मत करी उसने, कितनी हिम्मत करी और जाकर उसने उसके मुंह को पहुंचा। आपको हिम्मत करना है, प्रभु यीशु पास आना है। कम टू जीसस, ढाढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। यीशु कह रहा, ढाढस बांधो, मैं जीत लिया, तुम हारोगे नहीं। जो जीत चुका है वो आपको बचा देगा। झुक जाओ यीशु के सामने, सरेंडर योरसेल्फ, सबमिट योरसेल्फ, उसके अधीन हो जाओ, नरम दीनता से जीवन जियो। आपको शिरोमणि बना देगा, विशेष व्यक्ति बनाएगा आपको। हरिदेव आपके जीवन को विशेष व्यक्ति बनाना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है जो आपको परमेश्वर अधीन कर सकता है, यीशु है। पहले तिमोथियुस के 2:5 में आया, परमेश्वर और मनुष्य, हम परमेश्वर ऊपर है, स्वर्ग बैठा हुआ है, आत्मा है वो, मनुष्य हम लोग सब पापी नीचे हैं। हम कैसे बचेंगे, उसके अधीन कैसे होंगे, उससे कैसे मिलेंगे, उसकी विशेषताओं कैसे जानेंगे, उसके काम को कैसे जानेंगे, उसकी ज्योति कैसे पहचानेंगे? अनलेस somebody should be there in the middle, मीडिएटर कौन है? वो प्रभु यीशु है। Someone should be there and that someone is Jesus Christ। हालेलुया, हम और आपको अधीन बनाने के लिए, हम और आपको परमेश्वर मिलाने के लिए, हम और आपको परमेश्वर जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मनुष्य बनकर धरती पर आया और कहता, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी उस स्वर्ग के पिता से नहीं मिल सकता। हालेलुया, बिना मेरे द्वारा कोई इसका अधीन नहीं हो सकता, बिना मेरे द्वारा कोई उसको पहचान नहीं सकता, बिना मेरे द्वारा कोई इसको ज्योति को नहीं जान सकता। क्रिस्ट, आज संसार को यीशु जरूरत है, संसार को जरूरत है। तीन चीज संसार में शुरू हो गई है, शोक, विलाप, चीखना, चिल्लाना। तीन चीज शुरू हो चुकी, ग्रीव, मौन एंड वेल। हाँ, संसार में शुरू हो चुका है, शोक, विलाप, चीखना, चिल्लाना, रोना शुरू हो चुका है। अपने जीवन को परमेश्वर आप में सौंपो, परमेश्वर आपको मुझको देख रहा है। रोमे किताब उसका 3:10-12 तक पढ़ लेंगे। रोमे किताब उसका 3:10-12 पढ़ेंगे, जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं। जब परमेश्वर उस जमाने में, नूह के जमाने में उन लोगों को देख रहा था तो क्या देख रहा था? चिल्लाहट बढ़ गई है, पाप बढ़ गया है। सदोम अमोरा को देख रहा था, क्या देख रहा था? पाप भर गया और भारी पड़ गया वो। आज जब परमेश्वर देख रहा, उस जमाने में देख रहा था, आज भी देखिए, ही इज इटर्नल गॉड। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए। निकम्मे बोलते हैं वर्थलेस, यूजलेस, किसी काम का नहीं। कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है, सब भटक गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यही कारण है परमेश्वर याद दिला रहा, देयर इज गॉड। आज जो समस्या आ गई है, परमेश्वर याद दिला रहा कि मैं हूं। विपत्ति बढ़ती आ रही, उससे मेल मिलाप कर लो तो तुम्हें शांति मिलेगी और तेरे जीवन में भलाई होगी। होशे किताब उसका 10:12 लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, जब तक जिंदा हो अच्छा बीज बो, सच्चाई का बीज बो। बीज बोने का बता, जो बोओगे वही काटोगे। अच्छा बोया है तो अच्छा निकलेगा और बुरा बोया है तो बुरा निकलेगा। अपने लिए धर्म का बीज, अपने सच्चाई का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, करुणा दया होगी। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे होने का समय है। दिस इज द राइट टाइम टू फॉलो हिम।
कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार करे। जीसस आ रहा है आपके जीवन उद्धार करे, आपको बचा ले। धर्म का बीज, ये क्या है धर्म का बीज? अपने अंदर एक फलवंत बीज बो, वचन का। बेकार की बातें जो पहले बो चुके हो उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकलेगा। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, पश्चाताप करो, माफी मांगो। ये शरीर जो है भूमि की तरह है, मिट्टी है, याद रखिए। मिट्टी आपका मेरा इंतजार कर रही है कब ये मुझसे मिल जाए आगे। मृत्यु इंतजार कर रही है कि कब ये मेरे पास आ जाए, और वो दिन समय परमेश्वर पास है। ठीक है, जीते जी वचन कहता है अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार परमेश्वर की दया होगी और तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, भलाई होगी। मेल मिलाप कर अपने जीवन से परमेश्वर के साथ जोड़ लो। देखो अभी परमेश्वर के पीछे होने का समय है। बीज बो, फलवंत हो, फलदायक बन जाओ। और भजन सीता में आया, भजन सीता खोल ले, भजन सीता और उसका एक अध्याय और उसके तीन को पढ़ेंगे। जब मनुष्य अपने लिए धर्म का बीज बोता है, जब परमेश्वर के सामने वो अंगीकार करता है मैंने गलत काम किया है, और वो वचन को अपने अंदर ले लेता है, वचन आपके अंदर आ जाता है, तो लिखा है वह उस वृक्ष के समान बहती नाली किनारे लगाए। यानी जितने पेड़ नदी के पास लगे रहते हैं वो फलवंत होते हैं, जितने पेड़ आंधी तूफान आया है तो वो पेड़ कभी भी मुरझाएगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें जो है पानी में है। और इसी तरह लिखा है और वो व्यक्ति अपने ऋतु में अपने समय पर फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ पुरुष करे या स्त्री करे सब कुछ उसके लिए लिखा है सफल होता है। सफलता, सफलता अपने लिए धर्म का बीज बोलो। अब समय आ गया, क्योंकि जल जले बढ़ाएंगे, कठिनाई बढ़ती जा रही है। बाइबल का परमेश्वर सब कुछ पहले से खुलासा कर दिया। बी प्रोडक्टिव नाउ, पछता कर लो, पापों की क्षमा मांगो, पीछे तो गलत काम किए मांगो क्षमा, पछताप करो, वरना कुछ नहीं होगा, नरक की आग जल रही है। वेयर यू वांट टू गो, सबमिट टू गॉड, उससे मेल मिलाप करो। प्रभु यीशु बाएं खोले खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा, वो आपका इंतजार कर रहा कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी मेरे पास आ जाए वक्त से पहले। अभी आपके बेटा समय है, जीवित, हाँ जीवित, हम जिंदा है। आंख बंद होने के बाद कुछ नहीं होगा, मत कहना आंख बंद होने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ खत्म, ज्ञान खत्म, बुद्धि खत्म, सब कुछ खत्म, सेविंग खत्म, सब खत्म। प्रकाशित वाक्य और उसका 22वां अध्याय और उसमें उसके 12 पद को पढ़ें। देख मैं शीर गाने वाला हूं, क्योंकि यीशु ने कहा था मेरे आने से पहले सब कुछ बदलेगा। चले पूछे कौन दिन होगा, कौन समय होगा, यीशु कहता मैं नहीं जानता, ना केवल पिता जानता है। लेकिन हाँ, मेरे आने से पहले बड़े बड़े बुढ़ोल होंगे, महामारी होगी, अकाल पड़ेगी, जाति जाति लड़ाई होगी, झूठी न्यूज़ें फैलाई जाएंगी। ये शुरू हो चुका है, सूरज चांद सितारों में अंधेरा छा जाएगा, बड़े बड़े चिन्ह देखे जाएंगे आसमान पर और जमीन पर। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। आप जो भी कर रहे हो, आपका काम देख रहा, हमारा काम देख रहा है, लिखा जा रहा है। God is noting whatever you are doing. कुछ नहीं छुपा है परमेश्वर से। ये किताब खुलासा करती है। बाइबल एक किताब है जो दुनिया के अंदर भेजी गई है, पढ़ो उसको। यीशु आने का समय हो गया। देख मैं शीघ्र आ रहा हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। अच्छा है तो आपको अच्छा मिलेगा, उसका बदला मिलेगा, बुरा है उसका फल बुरा मिलेगा। प्रिपेयर फॉर गुड थिंग्स, परमेश्वर से मिल जाओ। गॉड इज होली, उसको ठट्टों में उड़ा जाता, ठट्टों मत उड़ाना, ईश्वर है वो। आप उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को, उसके प्रेम की लंबाई चौड़ाई को नहीं समझ सकते, वो ईश्वर है। इसलिए लिखा है अपने लिए धर्म का बीज बो, क्योंकि वो आ रहा है, तब तुम करुणा के अनुसार काटने पाओगे। वो आ रहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो वचन से। देखो अभी यहोवा के यहोवा ईश्वर के पीछे होने का समय है, क्योंकि यीशु आ रहा है। द टाइम विल कम, जिस तरफ 10 कुंवारी थी, 5 की तैयारी थी और 5 की तैयारी नहीं थी, तुरी फूकी जाएगी, स्वर्गदूत उतरेंगे और पीछे दूल्हा आएगा, और जिनकी तैयारी नहीं है वो भक्ति फिरेंगे। आपकी मेरी तैयारी होनी चाहिए और कहो यीशु जीसस प्रभु मैं तैयार हूं। तेरे पर लिखा है मैं अल्फा और ओमेगा, और पहला और अंतिम, आदि और अंत,
बहुत गहरी बात है, ये बहुत गहरी बात है। मैं अल्फा और ओमेगा, हिब्रू वर्ड है ए टू जेड, पहला और अंतिम, यही पहला है और ये अंतिम है, आदि और अंत। अगर आप पहले वाली बात करते हैं, कोई पानी पे नहीं चढ़ा, यही पहला है, यही पहला है, कोई पानी पे नहीं चढ़ा धरती पर, कोई ने आंधी तूफान को नहीं रोका, इसने कहा मैं पहला हूं, किसी ने पानी को दाखरस भी बनाया, कहता मैं पहला हूं, हालेलुया, किसी ने मुर्दों को खड़ा नहीं किया, कहता मैं पहला हूं, किसी ने क्रूस पर ऐसी मौत ले ली, कहता मैं पहला हूं, और मर के जिंदा हुआ और कहता मैं पहला और अंत हूं, हालेलुया, आई एम द लिविंग गॉड, वर्शिप हिम, ठट्टो मत रो उसको, जिंदा है वो, जीवित है। अरे शैतान भागता थरथराता कांपता है, जहां यीशु की आत्मा होती है वो डरता है, अपने धर्म का बीज बो। देख मैं शीर गा रहा हूं, 22:14 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। अभी समय है अपने पाप के वस्त्र को, अपनी आत्मा को यीशु के लहू से धो लो। धन्य है जो अपने वस्त्र को धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार। कौन सा वृक्ष है ये वही वृक्ष आदम के जमाने में जो अदन की वाटिका में था, ये वही वृक्ष है, एंड ही जीसस, समझना है बाइबल को, ये वही वृक्ष है जो अदन की वाटिका में था। अपने वस्त्र को धो लो, अभी मौका है, पाप के वस्त्र को धो लो, अपनी आत्मा को धो लो, यीशु का लहू चुकाओ, यीशु मैं अपना लहू मुझ पर लगा और मुझे धो दे, मेरी आत्मा को धो दे, केवल यीशु का लहू है, अब जो भूल जाओगे पापों की क्षमा मिल जाएगी, तो वही यीशु के उस जीवन के वृक्ष के पास आने का उसको अधिकार मिलेगा। समय कठिन बढ़ता जा रहा है, अपना समय अधिकतर प्रार्थना में दो, पवित्र शास्त्र के वचन को पढ़ो, क्योंकि इसमें जीवन है, इसको पढ़ो, इसमें जीवन है। अपना समय खराब मत करो, टाइम दो, यह मत करो समय नहीं है, अपना समय को दो, पवित्रता का जीवन जियो, पवित्र बनो, अपने आप को पवित्र रखो, आपस में मेल से रहो, ये बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, जब उतरता है इसको ग्रहण करो, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाएगा, बताएगा, समझाएगा, तीन बातें, किसी के विरोध में कुछ मत बोलो, यही एक आत्मिक जीवन है, एक दूसरे से प्यार करो और परमेश्वर के भय में रहो, यही है परमेश्वर से मेल मिलाप करने का तरीका, ताकि हमारे जीवन में शांति मिले। प्रभु आप सबको बहुत आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति आपके जीवन में बनी रहे, क्योंकि आप समय कठिन आ चुका, मेल मिलाप कर लो, उसके साथ चलो, अपना जीवन शांति में जियो, भलाई उसकी अपने जीवन लो, प्रभु यीशु आ रहा है, प्रभु यीशु आप सबको आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।